तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं स्लो इंटरनेट के ऊपर। आप में से कई लोगों की ये प्रॉब्लम होगी कि इंटरनेट सही से नहीं चलता है, आप बहुत सारी एपीएन सेटिंग ट्राई करते हो फिर भी इंटरनेट नहीं चलता है, यूट्यूब पर दिखाया जाता है कि ये एपीएन सेटिंग कर लो 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन फिर भी आप लोगों की नहीं होती। तो इस वीडियो को मैं पूरी जानकारी दूंगा और बताऊंगा इसका सही सॉल्यूशन क्या है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है कि आपकी नेटवर्क की स्पीड जो है अच्छी मिले, 4G में जितनी स्पीड बताई जाती है इतनी स्पीड आपको मिले, और क्या एपीएन सेटिंग से सही में स्पीड फास्ट हो सकती है, इसको भी हम आज चेक करेंगे, आपको दिखाएंगे क्या सही में ये ट्रिक जो वर्क करती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो बाजू में बेल है उसको भी ऑल पर क्लिक कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि क्या एपीएन सेटिंग सही में वर्क करती है, लेकिन कुछ कुछ फोनों में कर जाती है मैंने देखा है, लेकिन ज्यादातर जो है मैंने ट्राई किया तो नहीं होती। एक बार मैंने एक एपीएन सेटिंग की थी, वो पता नहीं बहुत पुराने वाले फोन में एक बार की थी, लेकिन उससे उसमें स्पीड सही चल रही थी, जितनी की पहले से दी जाती है उससे कहीं ज्यादा अच्छी चल रही थी। तो आज मैं दूसरे फोन में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके यहाँ दिखाता हूँ, आपको यहाँ पर डिस्प्ले दिख रही होगी। तो हम पहले जाते हैं सेटिंग पर। सेटिंग पर जाने के बाद आपको नेटवर्क का जो ऑप्शन होता है, सिम कार्ड नेटवर्क सेटिंग शॉर्ट है, उस पर क्लिक करना है। वहां से आपको अपनी सिम सिलेक्ट कर लेना है, कौन से सिम का आपको एपीएन देखना है, तो उस पर जाते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में हम नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर आपको देख सकते हैं मैंने दो एपीएन सेटिंग बनाई है, एक तो यूट्यूब में जो बीच वाली आप गीगा नेट जो देख रहे हो वो मैंने यूट्यूब पे से देख के बनाई थी, और जो पहली है इंटरनेट वाली वो जियो के तरफ से जो पहले से ही आती है, मतलब आप कोई भी सिम करो पहले से ही एक एपीएन सेटिंग आपको दी जाती है। और जो लास्ट वाली है वो मैंने अपने हिसाब से बनाई है, उसमें मैंने जैसा तैसा जो आया वो मैंने लिख लिया, और देखते हैं कि इनकी स्पीड कितनी चलती है। तो अगर एपीएन सेटिंग से स्पीड को बदला जा सकता है कि नहीं बदल सकते तो देख सकते हैं। सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ पहले वाले पे जो कि जियो की तरफ से मुझे मिली है। तो यहाँ पर अब मैंने जियो इंटरनेट जो पहले से इंटरनेट जियो की तरफ से दी गई है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया है एपीएन, और अब मैं बैक आता हूँ, और बैक आने के बाद मैं जाता हूँ स्पीड टेस्ट पर। तो स्पीड टेस्ट पर हमने ओपन कर लिया है। तो स्पीड टेस्ट ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी स्पीड कितनी मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी स्पीड जो है नंबर मुझे दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है, तो आप जितनी इसमें आएगी उतनी दूसरे में हमें देखने को मिलेगी, आप इस नंबर को याद रखना। तो चलिए बैक चलते हैं वापस से। अब हम जाते हैं दूसरे वाले पे जो कि मैंने यूट्यूब पे से देख के बनाया था कि इससे आपकी 100% जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये हम पहले अब सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद वापस से हम जाएंगे स्पीड टेस्ट पर। तो स्पीड टेस्ट पर जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारी कितनी स्पीड मिल रही है। तो यहाँ पर भी जो स्पीड आपको जो पहले दी गई थी उसी के आसपास यहाँ पर आपको स्पीड देखने को मिलेगी। आपको दिख रहा होगा कि कैसी स्पीड यहाँ पर आपको मिल रही है। अब हम उस सेटिंग पर जाते हैं, उस एपीएन पर जाते हैं जो कि मैंने खुद ने बनाई है अपने तरीके से, मतलब मैंने कुछ भी उसमें सोच समझ कर नहीं लिखा है, ऐसे ही जो आया मन में वो लिख दिया। तो उसमें आपको कितनी स्पीड देखने को मिलती है तो चलिए देखते हैं। तो अब हम वापस से जाते हैं अपनी सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद आपको जो मैंने लास्ट वाली एपीएन है उसमें मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो उसको सिलेक्ट करने के बाद अब मैं वापस से स्पीड टेस्ट ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर हमारा स्पीड टेस्ट ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम गो पर क्लिक करते हैं, देखते हैं हमें कितनी स्पीड यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आप इसमें भी देख सकते हो जितनी स्पीड पहले वालों में दूसरे वालों में मिल रही थी इतनी स्पीड इसमें मिलेगी, मतलब कि ये अपने मन से भ्रम निकाल लो कि एपीएन सेटिंग से प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। मैंने आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बता दिया है कि मैंने वीडियो को कहीं भी स्टॉप नहीं किया है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते वक्त। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी स्पीड बाकी मिल रही उतनी इसमें मिल रही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? तो प्रॉब्लम पहले तो दो जगह पे हो सकती है, या तो आपके फोन में और या फिर आपकी सिम में। तो अगर इन दोनों में से आपको चेक करना है कि प्रॉब्लम किसमें है, तो सबसे पहले आपको जो दूसरा मोबाइल है अपने आपके पास दूसरा मोबाइल होगा, या फिर अपने दोस्त के मोबाइल को आपको ले लेना है और अपनी सिम उसमें डालनी है, फिर ट्राई करना है आपकी स्पीड कैसी चलती है, फिर आपको देखना है कि आपकी स्पीड सही चलती है नहीं चलती। अगर आपकी स्पीड सही नहीं चलती फिर भी, और तो आप समझ जाओगे आपकी सिम में ही कुछ प्रॉब्लम है, या उस जगह पर जहां आप रहते हो वहां पर इंटरनेट सही से नहीं आ रहा, तो आप एक बार कहीं ऐसी जगह पर भी जाओ जहां पर नेटवर्क सही आ रहा हो। शायद आप ऐसी जगह पर रहते हो कि जहां नेटवर्क सही नहीं मिलता, आप समझो कि भाई मेरा नेटवर्क में कुछ खराबी है। तो कई कई बार ऐसा भी होता है। तो अगर फिर भी आप नेटवर्क के पास जाने के बाद भी आपको सही स्पीड नहीं मिलती, तो बस समझ जाओ कि आपकी सिम में ही कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन सिम को हम एक्सचेंज करा सकते हैं किसी और, उसी नंबर से दूसरी सिम भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सिम सही है, दूसरे फोन में काफी अच्छा नेट चल रहा है, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको देखना है कि फोन में तीन प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो नंबर एक पर है नेटवर्क आईसी। तो नेटवर्क आईसी एक जो है नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए, सही से रखने के लिए आईसी दी जाती है फोन में। तो आप देख सकते हो जो ये नेटवर्क आईसी है, मैं दिखा रहा हूँ, इसके जो लेग्स है जो आपको ये तार जैसे छोटे छोटे दिख रहे हैं, इन पर जब जंग लग जाती है तो
तब भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम है वो है इसके कंपोनेंट्स। इसके आसपास आपको बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं और वो भी फिल्टरिंग का काम करते हैं नेटवर्क के लिए, जो बहुत काम के होते हैं। तो अगर उसमें सही से वोल्टेज नहीं मिलती या उसमें कोई कचरा होता है अथवा नहीं तो फिर वो वाटर डैमेज हो जाता है, तो इससे भी ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। तो नंबर तीन पर है हमारे पास सिम, जो सिम हम डालते हैं सिम का सर्किट जो कनेक्ट होता है हमारे बोर्ड के साथ, तो उसके जो कनेक्टर होते हैं छोटे छोटे उनमें जंग लग जाना या फिर वो सही से जो अपने कनेक्ट ना हो पाए, तब भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको, आप घर पर तो इस प्रॉब्लम को सोल्व कर नहीं सकते, लेकिन आप किसी दुकान वाले के पास जाओगे तो वो आपके इस प्रॉब्लम को 100% सोल्व कर देगा। ये तरीका आपकी प्रॉब्लम जो है 100% की गारंटी देकर कहता हूँ। अगर आप दुकान वाले के पास जाते हो तो 50-100 रुपए में आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको कोई एपीएन सेटिंग कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे फोन होते हैं जिनमें प्रॉब्लम आती है और उसका सॉल्यूशन कोई एपीएन सेटिंग नहीं होता। एपीएन सेटिंग मैंने आपको बता दिया कि कोई फायदा नहीं है। मैंने एपीएन सेटिंग आपके सामने ट्राई की कि आप कैसी भी एपीएन सेटिंग बना लो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।